माई चैनल, मैं उज्ज्वल श्रीवास्तव फिर से एक नया कंटेंट आप लोगों के बीच लाया हूं, जो कि एक्टिवा 6Z की थर्ड सर्विसिंग कराने हम जा रहे हैं। सेकंड सर्विसिंग, फर्स्ट सर्विसिंग तो आप लोगों को दिखाया ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि इसका कितना किलोमीटर चला है, तो 4,932 किलोमीटर टोटल ये चले हुए हैं। तो इसका तो क्राइटेरिया है 10,000 चलाने का, लेकिन मैं 10,000 नहीं चला पाया। नहीं तो थर्ड सर्विसिंग का एक और है रूल है कि आप 1 ईयर के अंदर में, 1 ईयर अगर हो जाए तो भी आप करा सकते हो। तो अभी हम हैं NS28 पे और बगल में ही है, मेरे घर से बगल में ही है यहाँ पे होंडा का शोरूम, तो वहाँ पे हम चल रहे हैं और चल के देखते हैं क्या क्या इसमें क्या क्या चेंजेज होता है। जो भी कॉस्ट होगा सब आप लोगों के सामने आएगा, तो क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कॉस्ट आया, क्योंकि मैंने ज़्यादा तो चलाया नहीं है। 5,000 तो वहीं 5,000 किलोमीटर तो ज़्यादा होता नहीं है थर्ड सर्विस के लिए। बट आप लोगों को बोला ही, कुछ डेंट वगैरह है तो उस डेंट में क्या कॉस्ट आता है सब आपके सामने होगा। इसका मोबिल तो ज़रूर चेंज होगा, ये तो कंफर्म है। एक्चुअली देखा जाए तो मोबिल तो 2000 किलोमीटर पे चेंज होता है, लेकिन हर एक सर्विस में ये एजेंसी वाला, ये सर्विस वाले चेंज करते ही हैं। उससे और परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, इंजन काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो ऐसे भी सर्विस टाइम आप कितना भी किलोमीटर चलाए हो चेंज कर दो तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो जितने भी कॉस्ट आएंगे आप लोगों के बीच शेयर करूँगा। बस अब हम पहुंचने वाले हैं गाइस। ये तो नेशनल हाईवे NH2 है, NS28 है, और यहाँ हमारे घर से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमारे घर से अप्रॉक्स अगर आप मान लो तो 2 किलोमीटर इनफ है। तो जस्ट अब हम पहुंचने वाले हैं। मेरा स्कूटी का तो आप लोग देखे ही हैं कि माइलेज क्या हमने निकाला था आप लोगों के सामने, इसलिए सर्विस का भी जो भी कॉस्ट होगा, जो भी ये होगा, आप लोगों के सामने आएगा। देखिए कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि मेरा फर्स्ट सर्विस अभी होने को है और 25 का ये माइलेज दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग कंडीशंस पे। ऐसे फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा माइलेज आपका इम्प्रूव होता है, लेकिन उसके पहले भी अगर ड्राइविंग कंडीशन आपके इम्प्रूव, मतलब उसको इम्प्रूव करना है। आप देखिए जैसे सडन आप, मैंने बढ़ाया देखिए आप, तो ऐसे आपको कम और ज़्यादा एक्सेलेटर को ज़्यादा एक्सेलेट नहीं करना है। एक सीमित स्पीड पे, एक कंटिन्यूस स्पीड पे अगर एक्सेलेटर को रखे हो तो ही एवरेज निकल पाएगा। ज़्यादातर एवरेज निकल पाएगा आपको इकोनॉमिक स्पीड्स पे, 45 to 50 एनफ है, वहाँ पे ही आदमी का सबसे ज़्यादा माइलेज आ पाता है। तो आप हाँ, और एक पीक आवर में अगर आप ट्रैफिक में हैं तो वहाँ तो माइलेज जाहिर सी बात है कम है, माइलेज का पता चल पाता है फ्री रोड पे। तो इस जैसे NH है तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि आपका क्या क्लेम करता है माइलेज। तो ड्राइविंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ज़्यादा एक्सेलेरेट नहीं करें अगर चलाएं, अगर टॉप स्पीड पे भी 60-70 भी चलाएं तो ज़्यादा ये अप डाउन करने के लिए है, ठीक है। तो फाइनली गाइस जब हम आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं होंडा के सर्विस सेंटर पे हम आ गए हैं। और ये है होंडा सर्विस सेंटर, यहाँ शोरूम भी है और यहाँ सर्विस भी होता है। तो चलिए हम आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ क्या क्या इसमें क्या क्राइटेरिया है, कितना कॉस्ट लगता है। तो गाइस ये है वॉशिंग एरिया, यहाँ पे गाड़ी को क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। मेरा गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, वॉश करने के बाद ही जाता है। और भी गाड़ी यहाँ पे वॉश हो रहा है। तो आज भीड़ नहीं है, इसलिए पिछले बार मैंने कूपन दिखाया था, टोकन सिस्टम, टोकन वाइज लगते हैं।
तो आज ज़्यादा क्राउड नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट वॉशिंग में आ गया, उसके बाद जाएगा सर्विस में। और वहाँ पे मेंशन होता है जो भी गाड़ी का ये है, कितना किलोमीटर चला है, उसके बाद हमारा गाड़ी सर्विस में जाते हैं, देख सकते हैं आप। और ये सभी गाड़ी सर्विस के लिए आए हैं, ये जितना भी गाड़ी है सब सर्विस के लिए आए हैं। तो ये सर्विस जो है काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी सारे मशीन्स हैं, काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, और यहाँ शोरूम भी है होंडा का, और यहाँ से नीचे सर्विस के लिए जाएंगे। तो गाइस अब मेरा स्कूटी का वॉशिंग होगा, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली अच्छे से वॉशिंग होने के बाद ही कोई सर्विस होता है, आप लोगों को तो पता ही है। और काफ़ी टाइम से मैंने इसे वॉश भी नहीं कराया है। अच्छे से वॉश कर दीजिएगा भैया, वॉश तो अब हो गया, अब जाएगा सर्विस के लिए। हाँ तो गाइस फाइनली मेरा स्कूटी आ गया है सर्विस के लिए, अब हम बताएंगे भैया को क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे है ना, चाबी दे रहे हैं, चाबी उनके पास है, चाबी सामान निकाल दे रहे हैं। और यहाँ पे मीटर पे भी जो स्पीड, जैसे ये मीटर है ना, बढ़ाने पे क्या होता है कि एक्सेलेटर बढ़ाया जा रहे हैं तो आगे बढ़ता है, लेकिन फिर अप डाउन करने लगता है, ठीक है, मतलब स्टेबल एक जगह रुका हुआ नहीं रहता है, उसमें प्रॉब्लम है। अब पिकअप में भी प्रॉब्लम लगता है, पिकअप मतलब जैसे एक्सेलेटर देते हैं तो ज़्यादा स्पीड थोड़ा देर में नहीं करने का, ये पिकअप में प्रॉब्लम लग रहा है। और यहाँ पे एक साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी साउंड आता है चलाने पे, यहाँ पर भी साउंड आता है, तो यहाँ पर भी साउंड आता है, ठीक है, ये सब देख लीजिए कहाँ की क्या क्या प्रॉब्लम है, तो देखते हैं उसके बाद से क्या इम्प्रूव आता है कि नहीं इसमें। और थर्ड, ये सर्विस के बाद एवरेज भी बढ़ता है क्या? हाँ, तो आप लोगों देखा ना, देखा था कि फर्स्ट सर्विस के बाद मैंने इसका एवरेज फाइंड किया था तो 58 का आया था, तो देखते हैं इसके बाद क्या जाता है, क्या इसका परफॉर्मेंस था, थोड़ा पिकअप में प्रॉब्लम था और इस ये जो मिडिल है वो स्टेबल नहीं रह पाता था, किसी भी यूनिफॉर्म स्पीड पे अगर हम चले जा रहे हैं तो बढ़ता था, इंक्रीज करता था, लेकिन वहाँ पे रुकने के बाद ये ऐसे ऐसे करने लगता था, ठीक है, स्टेबल नहीं रहता था, तो इसको दिखाना है। और बाकी सब तो सब ठीक है। और यहाँ पे कुछ आवाज़ आता है, गाड़ी चलता है तो देखिए, तो इसको भी दिखा लेना है भैया को, तो कम्प्लीटली इसमें जो प्रॉब्लम होगा सब ये है एयर फिल्टर, और हमें इसको चेंज करना होगा, कि आप देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। इसको एयर प्रेशर देने के बाद भी ये सही ढंग से वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमको इसको बदलना पड़ेगा। और यहाँ पे इंस्टॉल होता है, यहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे भैया अभी लगाएंगे इसको, और बाकी जितने भी प्रॉब्लम होगा धीरे धीरे भैया इसको सॉल्व कर रहे हैं। और जितना कॉस्ट आएगा, एक्चुअल जो भी कॉस्ट आएगा वो सब आपके सामने होगा गाइस, जो भी इसका प्राइस आएगा। और ये मशीन है जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर के थ्रू जो भी डस्ट होता है उसको ये हटाने के लिए यहाँ से। गाइस इसका फाइनली सर्विस हो गया और हम देखते हैं कितना का बिल हुआ, तो आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें चेंज हुआ है थर्ड सर्विस में। तो ये इंजन ऑयल है जो कि 254 का है, 254 रुपया। और ये कुछ वाशर है जिसका 5 रुपया है। और एक एलिमेंट एक डलाया है जो कि वाशर था, एयर प्यूरीफायर इसको बोलते हैं, इसका 185 मुझे लगा है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे टैक्स को इंक्लूड करके 525 का बिल हुआ।
और मैंने एक मैट भी लगवाया, आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया भी, जो कि होंडा के तरफ का ही है, होंडा कंपनी का ही है, जिसका कॉस्ट पहले 336 था जो कि अब बढ़ के 376 हो गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पेड़ है। तो यही रहा थॉट सर्विसिंग का एक्सपीरियंस गाइस, आप लोगों के बीच मैंने शेयर किया, और जो कि मेरा गाड़ी इतना चला हुआ था, 4936 किलोमीटर चला हुआ था, तो ज़्यादा कुछ मेरा गाड़ी चला हुआ नहीं था, इसलिए ज़्यादा सर्विसिंग कॉस्ट मुझे नहीं लगा। लेकिन आप लोग कमेंट करें कि कैसा आप लोगों को ये वीडियो लगा, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है गाइज, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।